हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से किचन टिप्स लाई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है और आप इसको डेली में यूज करके और आप अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है करेले। करेले कड़वे नहीं बने, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को करेले कड़वे लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये पहले हमें इसको पील कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है दही और हल्दी और नमक, इसको हमें मिक्स करके और करेले के अंदर अच्छे से हमें इसको इस टाइप से हमें लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ, और इसको अच्छे से मसल मसल के लगाने के बाद हमको इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। जैसे अगर आपको सुबह बना दोपहर में बनाना है तो सुबह में आप इस तरह से लगा के और कवर करके रख दीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद जब आपको बनाना होगा तो आप इसको अच्छे से धो लीजिए, तो जितना भी करेले का कड़वापन होता है वो सभी निकल जाता है। उसके बाद अगर आप करेला बनाते हैं तो आपका करेला कभी भी कड़वा नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अच्छे से मैंने इसको धो लिया है पानी से, और बाकी जो रहेगा उसको हम निकाल देंगे और करेले को अच्छे से हम धो लेंगे। सेकेंड टिप है, सेकेंड टिप में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई भी डो रेडी करते हैं, किसी भी चीज़ का डो रेडी करते हैं, चाहे वो नमक पारे हो, चाहे आप समोसे के लिए बना रहे हो, कोई सा भी हो, उसके ऊपर जब हम कर लेते हैं रेडी तो हमें ऑयल लेना चाहिए हाथ में, और ऑयल को उसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से लगा देना चाहिए इस तरह से। अगर आप ऐसे लगा देते हैं तो हमारा जो डो है वो कभी भी पपड़ी नहीं आएगी और एकदम अच्छा सॉफ्ट रहेगा। टिप नंबर 3 है, टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी, लहसुन होता है गार्लिक, तो गार्लिक को हमें गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद हम उसको पानी निकाल लेंगे, और इससे क्या होता है कि हमारा जो गार्लिक है बहुत आसानी से हम इसे पील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भिगो के छोड़ दिया था और कवर करके हमने रख दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, जो गार्लिक के ऊपर उसका मुंह होता है वहाँ से हम कट करेंगे, और उसके बाद और हम हाथ की हेल्प से इस तरह से कर देंगे तो इतना आराम से ये जो है छिलका निकल जाता है। एक एयर टाइट कंटेनर छोटा सा लिया है और उसके अंदर रख दिया है, और जब और इससे क्या इजी हो जाता है हमारा काम। इस तरह से आप इसको निकाल के रख दीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप बस बॉक्स खोलिए और आप यूज़ कर लीजिए। टिप नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी क्या होता है कि हमें जो हम दाल बनाते हैं तो दाल कभी भी कुकर में ही ज़्यादातर बनाया जाता है, तो क्या होता है कि दाल के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो हमें सबसे पहले जब तक बॉयल आ जाए तब तक हमें दाल को ओपन पका के ऊपर से जो इम्प्योरिटी होती है उसे निकाल देना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदेह होती है हमारे लिए, तो इसको निकालने के बाद ही हमें कुकर को बंद करके सीटी लगाना चाहिए, तो हमारी ये दाल बहुत हेल्दी भी हो जाती है और हमें नुकसान भी नहीं करती है। टिप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगी कि एग को हम फटाफट कैसे बॉयल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एग को बॉयल करने में हमें 15 से 20 मिनट लगता है अगर हम भगोने में करें तो, पर यहाँ पे मैंने कुकर में ओनली 1 विसल लगा के किया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से एग बॉयल हुआ है। एग बॉयल होने के बाद, ठंडा होने के बाद, हम इसको इस तरह से टैप करके और हम इसको पील कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम कर देंगे तो हमारे जो ऊपर से जो छिलके हैं एग के वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये एग बॉयल करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो कितने आसानी से हम इसको पील कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें काट के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 विसल में आप कितनी आसानी से इसको आप पील कर सकते हैं, कितना अच्छा सा। और अब मैं कट करके आपको दिखाती, तो देखिए कितना अच्छा बॉयल हुआ है ओनली 1 विसल में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 5 टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।